துவார் சரஸ்கரை கைது செய் கைது செய் தமிழர்களை படுகொலை செய்து அணிலகர் வாழை கைது செய் சதித்தனமாக தமிழர்களை படுகொலை செய்த அணிலகர் வாழை. नमस्कार, तो रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है. आखिरकार मिसिंग मुगिलन की जो गुत्थी है वो सुलझ चुकी है. जो गुमशुदा मुगिलन है वो एक तरह से मिल गए हैं, यानी मुगिलन को आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हिरासत में लिया गया है. मुगिलन के एक जानकार तिरुपति के ही रेलवे स्टेशन से कहीं सफर कर रहे थे, जहां मुगिलन को उन्होंने देखा, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी. उसके फौरन बाद उन्होंने वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस विभाग है, उनको इस बारे में इत्तला दी कि जो शख्स है इनका नाम मुगिलन है और इनको सीबीआई और तमिलनाडु की पुलिस दोनों ही पिछले 5 महीने से ढूंढ रही है. उसके फौरन बाद उन्होंने इनके परिवार वालों को भी संपर्क किया, उनको भी ये बात बताई कि मैंने इस तरह से मुगिलन को तिरुपति के रेलवे स्टेशन में देखा है. उसके फौरन बाद जो उनकी बीवी, उनका परिवार है, उन्होंने तमिलनाडु पुलिस से संपर्क साधा. तमिलनाडु पुलिस को इस बारे में जानकारी थी. तमिलनाडु पुलिस ने एपी पुलिस के साथ सांठगांठ बनाई, अपना जो इंफॉर्मेशन थे वो एक्सचेंज करे. उसके फौरन बाद आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इनको कस्टडी में ले लिया है. इसके साथ साथ जब हमारी बात ह्यूमन राइट लॉयर और एक्टिविस्ट हेनरी से हुई, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये बात सही है. उसकी पुष्टि करी कि हाँ, जो मुगिलन है उनको तिरुपति से हिरासत में ले लिया गया है और मुगिलन इस वक्त ठीक है और पुलिस की हिरासत में. हेनरी ये वही शख्स हैं जिन्होंने केस किया था हाईकोर्ट में जाके, मद्रास हाईकोर्ट में, कि इस तरह से एक एक्टिविस्ट है जो गायब हो चुके हैं और उसके बारे में जो पुलिस विभाग है वो कुछ सही तौर पर काम नहीं कर रहा है. मुगिलन को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए और जो कोर्ट है उसने तमिलनाडु पुलिस और सीबीआई इन दोनों को ही फटकार लगाई थी कि आप ये जवाब दें कि मुगिलन को जमीन खा गई या फिर आसमान निगल चुका है. इस तरह की टिप्पणियां भी कोर्ट से आई थी. तब भी जो पुलिस विभाग है और जो सीबीआई है, इन दोनों से ही कुछ नहीं बन पड़ा. आखिरकार मुगिलन को एक उन्हीं के परिवारजन ने ढूंढ निकाला, उन्होंने पहचान लिया उनको और आज जो मुगिलन है वो मिल चुके हैं. ये जो वीडियो बाहर आया है, मुगिलन साफ तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं. मुगिलन की दाढ़ी बड़ी हुई है और मुगिलन लगातार नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं. मुगिलन साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो उन 13 लोगों की हत्यारों को, गिरफ्तार करो जो स्टरलाइट में जिन लोगों ने इनको मारा था, इनको गोलियां चलाई थी, उनको गिरफ्तार करना चाहिए. साथ ही साथ मुगिलन ये भी कहते हैं जो कुड़नकुलम प्लांट है, पावर प्रोजेक्ट, उसको बंद करना चाहिए. जो न्यूक्लियर वेस्ट वहां पे हो रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है. तमिलनाडु की जमीन बंजर हो जाएगी, तमिलनाडु एक तरह से नष्ट हो जाएगा. तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो भी बंद होना चाहिए. कुड़नकुलम का जो प्लांट है वो भी बंद होना चाहिए. और लगातार ये इस तरह के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, काफी थके हुए नजर आ रहे हैं पूरे वीडियो में. बट एक तरह से जो इनके परिवार वालों से जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, हेनरी जो इनके लॉयर हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उससे ये पता चलता है कि जो मुगिलन है वो एक तरह से ठीक है. इस वक्त हिरासत में ज़रूर है लेकिन ठीक है और जल्द ही वो तमिलनाडु भी लेके आए जाएंगे और उसके बाद एक प्रेस मीट रखी जाएगी जिसके बाद खुलासा होगा कि आखिर मुगिलन 5 महीनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इनके गायब होने के पीछे गुत्थी क्या थी, क्या ये खुद से गायब हुए या फिर किसी ने इनको किडनैप किया, आखिर ये पूरा मसला है क्या. इस पूरे मसले में हमारी जो नज़र है वो बनी रहेगी. आपको पल पल की खबर हम इस बारे में देते रहेंगे. बने रहे हमारे साथ रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं. सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं. धन्यवाद.